हेलो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड हैं। मेरी बात को समझो यार, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है यार। हेलो यार। अरे अबे साले हराम खोर, ये मेरे जूते हैं, तेरे स्कूल की स्लेट नहीं जो थूक लगाकर साफ कर रहा है इसे। चला, बैग ही पैसा नहीं मिलेगा तुझे। छोटो चाय लगा एक। और भाई क्या हाल है? ला भाई सिगरेट पिला। क्या यार तुझे सिगरेट की पड़ी है? देख नहीं रहा मैं कितना टेंशन में हूँ यार। अबे साले करोड़पति लड़की फंसा भी तो इतना टेंशन में है। टेंशन यही तो है यार, जैसे तैसे उस करोड़पति लड़की को शादी के लिए फंसाया था और उसे मेरी सारी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चल गया। फिर तो गई व्यास पानी में। अबे साले हरामखोर, मजे ले रहा है? ऐसी चाय बना के लाया, अभी से हाथ धो या पीऊं? साले तू अब पैसे लेने आ मेरे से, साले कामचोर। अब तू क्या देख देख के दांत फाड़ रहा है यार? आंखें मुंह भी है भाई, देख अंधे भी बैंक लूट रहे हैं। अबे सुन, तेरे लिए मेरे पास एक काम है, अगर तूने कर दिया तो मैं तुझे पूरे 2,00,000 रुपए दूंगा। ला दे यार, जल्दी से दे यार। अबे नमूने, पहले काम तो सुन ले। तुझे 2 अंधे लेके आने, वो भी बिल्कुल बेवकूफ जो मेरे इशारों पर काम करे। अच्छा अंदोस बैंक तू लुटवाए, मैं 2 लाख का झुंझुना लाऊं? अरे भाई तू रहने दे भाई, तेरे दिमाग से अंदाजा लगा लिया, तू 10 रुपए की सिगरेट के लायक है। ले ठूस ले, इसे ले ठूस ले। अबे साले अंधा है क्या? अरे सॉरी भाई साहब, आपके लगी तो नहीं। ओ तेरी, अरे आपकी आंखें तो सूज गई भाई साहब, मुझे माफ कर दो। ओ तेरी, अरे आपके दांत टूट गए, अरे भाई साहब मुझे माफ कर दो। अबे साले किससे बात कर रहा है? मैं तो इधर हूँ। नजदीक मत आना मेरे, नजदीक मत आना मेरे। अंधा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, कर्राटे आते हैं तोड़ ताड़ दूंगा तेरे को। अंधा है तू? अंधा है? सही बता मुझे, तू अंधा है? अच्छा तो फिर तेरा चश्मा कहाँ है बे? और तू छड़ी लेके नहीं चल सकता? कर दी ना बेवकूफों वाली बात, अगर मैं काला चश्मा लगाऊंगा तो मुझे काला काला नहीं दिखाई देगा, और छड़ी रखने से लोग बाग मुझे ऐसे समझते है कि मैं कुत्ते भगाने वाला हूँ, समझे? अंधा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। यार ये तो अंधा भी है और बेवकूफी, इसे तो ये भी नहीं पता कि अंधे के लिए हर चश्मा ही काला होता है। ये मेरे काम का है, एक तो मिल गया, अब एक और ढूंढता हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए मेरे पास एक काम है, करेगा? तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। भाई साहब क्या क्या जबरदस्त शर्ट पहना है आपने। अरे भाई ये शर्ट नहीं टी शर्ट है, वैसे थैंक्स। अरे भाई साहब, अरे अब क्या है? वैसे व्हाइट कलर की टी शर्ट आप पे जबरदस्त लग रही है। अरे बेवकूफ, ये व्हाइट नहीं रेड है, दिखता नहीं है क्या? अंधा है क्या? अरे वही तो भाई साहब, अंधा हूँ, फिर भी मैंने पता कर लिया ना आपने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है। तू सच में अंधा है? हाँ। तो तूने काला चश्मा क्यों नहीं लगा रखा बे? और तेरी छड़ी कहाँ है बे? कर दी ना बेवकूफों वाली बात, अगर मैं काला चश्मा लगाऊंगा तो लोग मुझे बॉडीगार्ड नहीं समझेंगे, और अगर मैं छड़ी लेके निकलूंगा तो लोग मुझे मास्टर नहीं समझेंगे, और मैं तो हूँ ही अनपढ़ भाई साहब, अंधा हूँ। पता है अंधा है और बेवकूफ भी। क्या वो तेरे लिए काम है, करेगा? देखो आज से तुम दोनों को साथ काम करना है, चलो सबसे पहले हाथ मिलाओ। हेलो भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भैया जी ये अंधा ही नहीं, इसके तो दोनों हाथ भी नहीं है। अबे दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? नहीं भैया जी, देखो। हेलो भाई साहब, आप कैसे हैं?
मैं ठीक देखा आपने, मेरा हाथ तो मिला लेकिन मेरे हाथ से इसका हाथ नहीं मिला। अबे अंधो, अबे तू इधर मुंह कर, तू इधर मुंह कर, अब मिलाओ दोनों हाथ। हेलो भाई साहब, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया जी। अरे अब क्या यार, मेरा हाथ तो मिला और अब की बार हाँ मिला ना, अब की बार मिला ना, और अब की बार मोदी सरकार। अरे यार छोड़े मिलना मिलाना, और आगे का प्लान सुनो। देखो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही इमोशनल है, तुम दोनों को उसके सामने अंधा बन कर जाना है। ठीक है भैया जी, मुझे चाकू चाहिए। और भैया जी मुझे लाल मिर्च चाहिए। क्यों? वो क्या है ना भैया जी, मैं चाकू से मेरी आंखें फोड़ लूंगा और अंधा बन जाऊंगा। कितना बेवकूफ है तू, तू तो पहले से ही अंधा है। ओ तेरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और तुझे लाल मिर्च क्यों चाहिए? भैया जी मैं अपनी आंखों में लाल मिर्च डाल के अंधा बन जाऊंगा। कितना बेवकूफ है तू, अबे तू तो पहले से ही अंधा है। ओ तेरी, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे यार किन बेवकूफों से पाला पड़ गया। अब चुपचाप सुनो, तुम्हें उस लड़की से अपने आंखों के इलाज के लिए 50-50 लाख रुपए मांग रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम दोनों के लिए 50-50 लाख रुपए दे देगी, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल है। और उसके बाद मैं उसी पैसों से तुम दोनों की आंखें ठीक करवा दूंगा, और फिर तुम में से एक को उस लड़की को पटाना होगा, और बाद में तुम्हें उस लड़की को धोखा देना। अब चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट। तू इतना अच्छा कब से हो गया जो इन अंधों की आंखें ठीक करवा रहा है? अबे काय का अच्छा यार, तू तो बस इन दोनों को ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देता जा कि जैसे जैसे मैं कहूँ ये वैसे वैसे चलते जाए। मतलब तू इनकी आंखें ठीक नहीं करवाएगा? बिल्कुल नहीं, माना ये दोनों अंधे और बेवकूफ है, फिर भी एक बैकअप प्लान तो मुझे लेकर चलना ही पड़ेगा ना। तो फिर तेरा प्लान क्या है? जैसे ही ये उसे धोखा देंगे वो पूरी तरह टूट चुकी होगी, और उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, और वो सहारा मैं बनूंगा। नंबर एक राइट राइट लेफ्ट नहीं, नंबर टू नहीं, नंबर वन वन। अरे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, अरे अरे यार एक नंबर, हाथों में लकड़ी ले ले। आप तीन कदम सामने चलो, आप अपना लेफ्ट घूमो, पांच कदम चलो। नंबर दो लकड़ियां ले ली, आप तीन कदम सामने चलो, आप अपना लेफ्ट घूमो, सामने छह कदम चलो। आप तुम्हारे सामने नीचे ढोल है उसे बजाओ। नंबर वन अपने राइट घूमो और तीन कदम आगे चलो, अब अपना लेफ्ट घूमो, अब दोनों सीधे चलो। स्टॉप, अब तुम दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। हाँ अब सीधा सीधा चलो, ठीक तीन कदम की दूरी पे उतर से टकराएगी। अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता यू इडियट। अब उसको बोल मार लो मैडम, मार लो मैडम, आप भी मार लो, इस अंधे ने तो जिंदगी भर मार सही है, आपसे टकराया क्योंकि मेरे बॉस ने टकराने की कही है। व्हाट, अबे क्या बोल रहा है, मरवाएगा क्या? हाँ वो मेरे भगवान है, वही मेरे बॉस है, और उन्होंने मुझे आंखें ही नहीं दी। ओ माय गॉड, आप अंधे हो, मैंने आपको चाटा मार दिया, आई एम सो सॉरी। कहीं आपके जोर से तो नहीं लगी, आप बचपन से अंधे हो? अरे नहीं नहीं मैडम, पहले तो मैं देख सकता था, आपकी जैसी बहुत ही सुंदर सी मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था नयनतारा। फिर क्या, एक दिन नयनतारा ने मुझे बोला, मेरे प्यारे नैनसुख, मेरी इन आंखों की गहराई में देख तुझे कितना प्यार दिखता है, और मैं उसकी आंखों की गहराई में इस कदर डूबा कि ये भी देखना भूल गया कि सामने उसका भाई खड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या,
जब तक मैं उसकी आंखों की गहराई से बाहर निकलता, उसके भाई ने मेरी आंखों पे मार मार के मुझे अंधा बना दिया। फिर नैनतारा का क्या हुआ? मेरे नैनों का नैन छिन चुका था। नैन तारा किसी चांद नाम के लड़के के साथ ईद का चांद हो गई, और तब से मैं अपनी नैन तारा को ढूंढ रहा हूँ। नैन तारा। तो क्या फिर आपकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती? हाँ हाँ, हो सकती है ना, आंखें ठीक हो सकती है, लेकिन 50 लाख रुपए मांगे हैं डॉक्टर ने। हमारे जैसे हल्दों को लोग 50 लाख तो देते हैं, 50 लाख कोई नहीं देता। ओके ओके, रो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं दूंगी आपको 50 लाख रुपए, मैं लाऊंगी आपके नैनों का सुख। थैंक यू मैडम, आपकी वजह से मेरी दो आंखें ठीक हो जाएगी, फिर केवल दो ही बचेगी, उनको मैं अपना ये शरीर बेच के ठीक करवा लूंगा। लेकिन आंखें तो सबके दो ही होती है। अरे सही कहा मैडम, लेकिन मेरे तो 4 आंखें हैं। वो क्या है मैडम, मेरा जान से प्यारा एक दोस्त है, उसका नाम है नयन चक्षु, वो भी बेचारा अंधा है मेरी तरह। लेकिन वो कैसे अंधा हुआ? वो क्या हुआ मैडम, जब बहुत देर तक नयन तारा की आंखों में देखने से भी मुझे कोई प्यार नहीं नजर आया, तो मैंने मेरे दोस्त नयन चक्षु से कहा, भाई मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तू ही नयन तारा की आंखों में देख, शायद तुझे प्यार नजर आ जाए। और उसके भाई ने नयन चक्षु को भी मार मार के। ओके, ठीक है, मैं करवाऊंगी उसकी भी आंखें ठीक। चल उपदेश आए, उससे पहले मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांध देता हूँ, जिससे उसको ऐसा लगेगा कि तेरा ऑपरेशन अभी अभी हुआ ही है। भैया जी, इसका मतलब आप मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे? अरे आंखों का ऑपरेशन इतना आसान है क्या? अभी तो चुपचाप पट्टी बंधवा, वो बाद में देखेंगे। चल अब तो लेट जा। लगता है उपदेश आ गई है। अब मैंने तुम दोनों को जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही करना, और मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। हाय नैनसुख, कैसे हो? मैडम आप आ गए। मैडम मैंने अब तक अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाई, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको देखना चाहता था मैडम, लेकिन अब मैं अपनी पट्टी हटाऊंगा, मैं आपको देखूंगा मैडम, मैं आपको देखूंगा। नैन चक्षु भाई, तू भी अपनी आंखों की पट्टी हटा। हाँ हाँ हाँ, मैडम मैं देख सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ मैडम, आप कितनी खूबसूरत है। भाई नैन चक्षु, मैं तुझे भी देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ भाई, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई। हाँ भाई, मैं भी देख सकता हूँ, मैं तुझे भी देख सकता हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है भाई, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओह मैडम, थैंक यू मैडम, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, आपने मेरे जैसे अंधे को आंखें दे दी, बस अब कमी है तो सिर्फ एक चीज की, नयन तारा। ओ नयन तारा, कहा हो तुम? रो मत प्लीज, रो मत। क्यों ना रो मैडम, क्यों ना रो, क्या आप बनोगी मेरी नयन तारा? बताओ क्या आप बनोगी मेरी नयन तारा? हाँ हाँ बताओ, बनोगी मेरी भाभी? बताओ। हाँ हाँ हाँ, मैं बनूंगी तुम्हारी नयन तारा, मैं करूंगी तुमसे प्यार। क्या रहे अंधो, ना तो तुम लोग फोन उठा रहे हो, ना तुमने 1 करोड़ रुपए दिए, और तू आजकल बड़ा उपदेश के साथ नहीं लड़ा रहा है। चलो प्लान आगे बढ़ाते हैं, तू पहले तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे, और तू जाके उपदेश को धोखा दे। ओए कौन सी 1 करोड़, अरे ना तो तुझे 1 करोड़ मिल रहे हो, ना ही उपदेश को धोखा दे रहा।
मतलब ये अंधे हैं, बेवकूफ नहीं। ओ लड़की और पैसा मिल गया तो तुम लोग दिमाग लगाने लगे। रुको अभी तुम्हें मैं बताता हूँ। हेलो उपदेश, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इन दोनों की धोखाधड़ी तो दिखानी है तुम्हें। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, ये अंधे हैं। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन अब ये देख सकते हैं। अरे ये अब भी अंधे हैं, पूछ इससे पूछ। वो हॉस्पिटल भी नकली था और इन अंधों को ट्रेनिंग भी इसी ने दी है। हाँ मैडम, हाँ हमने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, हम अब भी देख सकते हैं। अच्छा तो चल ये बताइए कितनी उंगलियां है? 1 2 3 4 4। अच्छा तू बताए सल्लम कितनी चाबी है? 3 है भैया जी। तुम साबित क्या करना चाहते हो और तुम हो कौन? यही तो है नयनतारा का भाई। पहले तो इसने हम लोगों को अंधा कर दिया और अब ये हमारे पीछे पड़ गया, अभी भी हमको धोखेबाज बता रहा है। अबे कौन सी नयनतारा, मारी इतनी मत, बकवास बंद करो। 1 तारीख को मेरी नैन सुख के साथ शादी है, आ जाना अपने भूखे नंगे दोस्तों के साथ। अबे हराम खोर तूने इन अंधों को कैसी ट्रेनिंग दे दी जो ये अंधे भी देखने लगे। ओ ये तुम्हारी कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग का कमाल नहीं है, कमाल ही देखना है तुम्हें। तो चलो फ्लैशबैक में। सारे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई तूने अभी वो ब्लू शर्ट वाला लड़का देखा? हाँ। उसने है ना सुबह मेरे से जूते पॉलिश करवाए, उसने मेरी ऐसी इंसल्ट की जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ यार साले ने एक तो इतनी बेइज्जती की और साला चाय के पैसे और नहीं देके गया, लेकिन छोड़ यार क्या करें अब। अरे यार ऐसे कैसे छोड़ देंगे साले को, उसको 2 अंधे चाहिए। तूने भी सुना होगा उसकी बातें तो। हाँ। तो बस अब बस मैं बताऊँ ना वैसा करता जा, अपन दोनों भाई मिलके इसको ढंग से ही इसके प्लान में कामयाब करेंगे। इधर आ।